अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे रावी के ब्रिज के बारे में। तो अभी आप देखेंगे इस वक्त मैं रावी ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ और ये जो स्पैन आप देख रहे हैं ये वो वाला स्पैन है जो हमारी पाइल्स जो है वो बाद में बनाई गई थी। 8 पाइल्स हमारी बाद में बनाई गई थी, तो ये वाला स्पैन जो है वो उन पाइल्स के ऊपर आ चुका है। जिस आप देखेंगे अभी वाली हमारी जो है वो बाद में पाइल्स बनाई गई थी। इसके अलावा आज काफ़ी जो है वो तेज़ आंधी चल रही है, तो आपको बता दूँ कि पानी की जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा रावी ब्रिज के अंदर हो चुकी है। काफ़ी तेज़ी से जो है वो पानी जा रहा है, देखेंगे आप ऐसा लग रहा है कि जैसे समुंदर से लहरें आ रही हैं। इस तरह का यहाँ पर जो है वो मौसम बराबर है, काफ़ी स्पीड्स के साथ जो है वो पानी क्या है कि आप देखेंगे जो पानी की स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ पानी की स्पीड। अकेला तो अपनी रहमत की बारिश कर रही है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो जितनी तेज़ हवा चल रही है फुल ठंडी हवा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो मानसून बारिशों का सिलसिला भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो ये कहने की आप उसकी निशानी ही है कि मानसून हवाएँ मानसून बारिशें जो पाकिस्तान में होती हैं उसको जो है वो इंशाल्लाह जल्द ही स्टार्ट। बाकी आप काफ़ी जो है वो स्पीड से नीचे जो है वो पानी सामने देखेंगे आपके कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो पानी भी आ चुका है। कभी कहने की लाइफ में नहीं देखा कि इन दिनों में रावी ब्रिज के अंदर इतना ज़्यादा पानी आएगा। तो अभी आप देख आपके सामने आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी आ चुका है, और जितनी गर्मी पड़ रही है तो जारी बात है कि जितनी गर्मी होगी और पीछे जो है वो ग्लेशियर पिघलेंगे, तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो दरियाओं में जो है वो पानी आ जाता है। जो है वो काफ़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का अल्लाह ताला ने बना दिया है। तो बाकी आगे चलते हैं साइड पर ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूँ, मेरे भी बाद में माइंड में आया है। तो वैसे तो आपको बताया कि रावी जो हमारा दरिया रावी है जो स्पेशली जो शाहदरा के मुकाम से बह रहा है वो काफ़ी कहने के पोल्यूटेड पानी इसमें आता है। तो लेकिन अगर आप देखेंगे अभी जो है वो जितनी स्पीड से पानी चल रहा है तो उसने जो है वो अपना सारा गंद जो है वो आगे की तरफ धकेल दिया है। आगे पीछे मैं यहाँ से अगर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे काफ़ी स्मेल यहाँ पे आती है, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आ रही, क्योंकि हमारा जो गंदा पानी यहाँ पर किनारों पर जमा होता है तो पानी का प्रेशर इतना तेज़ है कि उसने सारा पानी जो है वो यहाँ से बहाकर आगे अपने साथ जो है वो आगे ले गया है। तो फिलहाल कह लें कि अभी यानी कि पानी पीछे से फ्रेश है, जिस तरह नहर का पानी होता है बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही यहाँ पर अभी आप देखेंगे आपको लग रहा होगा कि जैसे नहर का पानी है, और काफ़ी स्पीड से यहाँ पर पानी भी बह रहा है। और अभी चलते हैं आगे, और आगे चल के मैं आपको दिखा दूँ कि हमारा जो रावी ब्रिज का काम है, 6 स्पैन तो हमारे कंप्लीट थे लेकिन अभी तक जो आखिरी स्पैन है अभी तक इसको जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया। इंशाल्लाह जल्दी ही जो है वो इसको कंप्लीट किया जाएगा। और बाकी ये देखेंगे आपको ये क्रेन यहाँ पर खड़ी है, और अभी जो है वो इस स्पैन को जो है वो कंप्लीट किया गया था। तो जैसे ही अगला स्पैन स्टार्ट होगा तो ये क्रेन जो है वो उठाकर इसको जो है वो आगे शिफ्ट किया जाएगा, तो जिसके बाद यहाँ पर जो है वो हमारा आखिरी स्पैन जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो अभी आई थिंक सो मौसम कुछ दो दिनों से काफ़ी तेज़ जो है हवाएं चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से जो है वो उसको स्टॉप किया गया है। तो क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्डर काफ़ी वज़नी होता है, तो जितनी तेज़ हवा चल रही होती है तो वो जो है वो उसको अपने इर्द गिर्द करके जो है वो उड़ा कर तो नहीं लेके जाएगी, लेकिन ज़रा सा भी बैलेंस हिल जाए तो काफ़ी कह लें कि नुकसान का यहाँ पर फिर खतरा हो जाता है। फिलहाल इस वजह से जो है वो इस स्पैन को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। तो अभी आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि बाकी क्या काम यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। तो जी गाइस, अभी आप देखेंगे सामने मैं आ चुका हूँ, और ये जो ब्लॉक्स वगैरह हैं इनको भी जो है वो किसी न किसी जगह उन्होंने ठिकाने लगाना है। तो अभी आप देखेंगे सामने ये ब्लॉक जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए थे, क्योंकि इनको जो है वो एज अ शटरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ये जो ब्लॉक्स हैं सामने, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, इनको भी जो है वो एज अ शटरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे ही बिल्कुल उनको भी किया गया था। लेकिन अभी जो है वो उनको तो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो है वो इनको तमाम के तमाम ब्लॉक्स, कुछ यहाँ पर ब्लॉक्स हैं और कुछ वो सामने देखेंगे आप, वो सामने आपको जो है वो नज़र आ रहे होंगे ये ब्लॉक्स हैं, तो इनको भी जो है वो जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सारे कंपनी के होते हैं। और इनका जो मेन काम है वो ये है कि इनके साथ जो है वो जब भी किसी पुल का काम करना हो, या किसी आप कह लें कि किसी ब्रिज का काम करना हो, किसी फ्लाईओवर का काम करना हो, तो जहाँ पर हमारी पाइल्स का काम होगा ना,
तो पाइल सबसे पहले एक पाइल की जाती है तो उसको टेस्ट करने के लिए इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ब्लॉक्स का जो है वो वज़न उस पाइल के ऊपर डाला जाता है और टेस्टिंग के लिए जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है। और एक पाइल के ऊपर आप कह लें कि हज़ारों टनों के हिसाब के साथ जो है वो वज़न डाला जाता है ताकि पता लगे कि जो हमने नीचे पाइल बनाई है, जो नीचे हमारी कंक्रीट है, उसके अंदर कितनी कुव्वत बर्दाश्त करने की जो है वो ताकत है। तो जिसकी वजह से जो है वो इन ब्लॉक से उसके ऊपर वज़न डालकर टेस्ट किया जाता है। टेस्ट पास हो जाए तो फिर उसी तरह जिस तरह पाइल पहले बनाई गई होती है उस पाइल की तरह ही आप कह लें कि बाकी पाइल्स भी बनाई जाती हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट फेल हो जाए तो हो सकता है कि उसमें एक तो स्टील की मकदार बढ़ा दें, उसके अलावा जो हमने कंक्रीट की थी कंक्रीट की मकदार बढ़ा कर जो है वो बाद में दोबारा पाइल की जाती है तो दोबारा फिर टेस्ट किया जाता है। तो फिर टेस्ट पास हो जाए तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ही बिल्कुल जैसे उस टेस्टिंग वाली पाइल बनाई जाती है तो ऐसे ही बिल्कुल बाद में जो जितनी पाइलें हैं तो वो भी बनाई जाती हैं। तो अभी चलते हैं आगे चल के देखते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि जो सामने वाला ये गर्डर है, ये वाला, इसकी जो है वो शटरिंग खोली जा रही थी, लेकिन अभी जो है वो उसी मशीन के जरिए जो है वो ये वाला जो स्पैन है इसकी जो है वो शटरिंग खोली जा रही है। तो उसके अलावा काफ़ी लोग यार मुझे कमेंट करते हैं कि यार आप ना कैमरे को काफ़ी ज़्यादा हिलाते हो, तो मैं तो यार फुल कोशिश करता हूँ कि कैमरा कम से कम हिले, क्योंकि चलते हुए जब बंदा वीडियो बनाता है तो कैमरा जो है वो थोड़ा बहुत हिलता ही रहता है। तो भी आप देखेंगे मैं ये स्टिल यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है वो कैमरा बिल्कुल स्टॉप है और एक जगह पर जो है वो वीडियो का फोकस है, लेकिन जब मैं ऐसे चलूँगा तो थोड़ा बहुत हिलती है वीडियो। जितना बड़ा मर्ज़ी यूट्यूबर आ जाए, जितना मर्ज़ी अच्छा मोबाइल हो, जब बंदा इंसान चलता है तो वीडियो जो है वो थोड़ा बहुत हिलती लाजमी है। तो एक जगह बंदा खड़े रहकर वीडियो बनाए तो कह लें कि वो बिल्कुल स्टेबल आती है, लेकिन अगर बंदा चलता है तो काफ़ी जो है वो वीडियो में भी फ़र्क आ जाता है। तो बाकी इसके नीचे जो है हमारी शटरिंग जो है वो खोली जा रही है और उसकी जो है वो लास्ट में हमको दिखाया था शटरिंग उसकी जो है वो खुल गई। तो बाकी ये स्पैन है इसका भी जो है वो जल्दी काम हो जाएगा। बाकी एक स्पैन हमारा रह गया है गर्डर्स का, उसको भी जो है वो जल्द मुकम्मल करके यहाँ पर जो काम है फाइनल किया जाएगा। गाइस आज की मेरी वीडियो इतनी थी, मैं करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।